ठीक है स्टूडेंट, तो आज हम लोग कंटिन्यू करेंगे उसी इंट्रोडक्शन क्लास को। पिछले वीडियो लेक्चर में मैंने स्टार्ट किया था पॉलिनोमियल का इंट्रोडक्शन, फर्स्ट इंट्रोडक्शन मैंने दे दिया था, बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट किया था, जीरो लेवल से। ठीक है, छोटे क्लास से स्टार्ट किया था कि छोटे क्लास में आपने क्या पढ़ा था इसके बारे में, वहाँ से लेकर के हम लोग आगे तक आए थे। अब हम लोग पॉलिनोमियल वहाँ पे पढ़ चुके थे कि पॉलिनोमियल किसको कहते हैं। तो अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा तो आप जाकर के देखिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा या फिर यहाँ पे आई बटन आएगा तो इस पर भी आप क्लिक करके देख सकते हैं। ठीक है, अब टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल आज हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, इसके बारे में हम लोग जानेंगे, इसके बाद आगे फिर कंटिन्यू कर लेंगे इसके। ठीक है, देखिए स्टूडेंट, टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल में आपको पता होगा, नाइन्थ क्लास में पढ़े हो ये सब, आप नाइन्थ क्लास में पढ़े हो। कांस्टेंट पॉलिनोमियल क्या होता है? कांस्टेंट पॉलिनोमियल सबसे फर्स्ट यही टाइप्स हम लोग देखेंगे। सिंपल नंबर, मैंने बोला ना, कांस्टेंट पॉलिनोमियल क्या होता है? एक रियल नंबर ही होता है, मतलब जितने भी रियल नंबर है ना वो सारे के सारे कांस्टेंट पॉलिनोमियल कहलाएंगे। ठीक है, जीरो भी कांस्टेंट पॉलिनोमियल है, बट जीरो का एक और नाम होता है स्टूडेंट, जीरो पॉलिनोमियल। जीरो को हम लोग जीरो पॉलिनोमियल भी बोलते हैं। मतलब ये कांस्टेंट पॉलिनोमियल तो है पर इसका एक अलग नाम भी है, क्या? जीरो पॉलिनोमियल। तो अगर आपसे कोई बोलता है ना कि जीरो पॉलिनोमियल बताओ, तो आप सीधे उसका आंसर क्या करोगे? जीरो, खत्म। ठीक है, और एक और टॉपिक आता है स्टूडेंट, जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल, जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। तो दोनों में डिफरेंस समझना स्टूडेंट, ये जीरो पॉलिनोमियल है, यहाँ ऑफ द नहीं लगा, देखो ये जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल है, ये दोनों बिल्कुल एक दूसरे से अलग है। जीरो पॉलिनोमियल जीरो हो गया, लेकिन जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल ये कुछ और होता है, ये हम नेक्स्ट वाले में समझेंगे, नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे। ठीक है, तो पहले आप इसको समझिए अच्छे तरीके से। जीरो पॉलिनोमियल जीरो को बोलते हैं, जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल बिल्कुल अलग है, ये हफ्ते भी रियल नंबर है, ये सब क्या कहलाता है? कांस्टेंट पॉलिनोमियल के अंदर आता है। लीनियर पॉलिनोमियल क्या होगा? तो जिस पॉलिनोमियल का डिग्री, अभी डिग्री मैंने बता दिया पिछले वीडियो लेक्चर में, आप जाकर के एक बार देखिए उस वीडियो लेक्चर को तो आपको समझ में आएगा। तो पॉलिनोमियल का जो डिग्री है, डिग्री क्या होता है? वेरिएबल का हाईएस्ट पावर होता है। तो यहाँ पे वेरिएबल का हाईएस्ट पावर क्या है स्टूडेंट? वन है। तो इस पॉलिनोमियल का डिग्री क्या हो गया? वन हो गया। तो जिस पॉलिनोमियल का डिग्री वन होगा ना, वह कहलाएगा लीनियर पॉलिनोमियल। समझ में आया स्टूडेंट? वो क्या कहलाएगा? लीनियर पॉलिनोमियल कहलाएगा। आप यहाँ पर भी देख सकते हैं, यहाँ पर भी वेरिएबल का जो पावर है, हाईएस्ट पावर क्या है? वन है। तो इसका डिग्री क्या हो गया? इस पॉलिनोमियल का डिग्री हो गया वन, तो ये लीनियर पॉलिनोमियल। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं, ये डिग्री हो गया वन, तो ये लीनियर पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल यानी हाईएस्ट पावर क्या होगा स्टूडेंट? टू होगा। हाईएस्ट पावर क्या होगा? टू होगा। तो पॉलिनोमियल का यदि हाईएस्ट पावर टू है तो वो क्या कहलाएगा? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहलाएगा। क्यूबिक पॉलिनोमियल, तो हाईएस्ट पावर क्या होना चाहिए यहाँ पे? थ्री होना चाहिए, यानी डिग्री क्या होना चाहिए? थ्री होना चाहिए। और बाइक्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में हाईएस्ट पावर फोर होना चाहिए। तो ये तो गया टाइप्स ऑफ द पॉलिनोमियल। ठीक है स्टूडेंट, इसके आगे हम लोग पढ़ेंगे वही जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल, जो कि मेन टॉपिक है। ठीक है, तो देखिए अगला वीडियो। तो ठीक है स्टूडेंट, तो अभी जो मैंने आपको बताया कि टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है, तो वहाँ तक आपको समझ में आया ना अच्छे से? अगर वहाँ तक आपको समझ में आ गया है तो आप आगे ये चीज़ भी अब समझने के लिए आप प्रिपेयर हो चुके हो कि अब जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल क्या होता है। और यही मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक है स्टूडेंट, यहीं से आपका चैप्टर स्टार्ट होता है, मेन जो चैप्टर है यहीं से स्टार्ट होता है। और वो सारी चीज़ें मुझे एक्सप्लेन करना जरूरी था, क्योंकि अगर वो चीज़ आपको समझ में नहीं आता ना तो आपको ये चीज़ समझने में दिक्कत होता, तो यहाँ से आप बेहतर तरीके से समझना स्टार्ट करना। ठीक है, आइए देखिए स्टूडेंट, जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल, और मैंने उससे इसे जस्ट पहले आपको बताया जीरो पॉलिनोमियल। ठीक है, इन दोनों में डिफरेंस ये है कि जीरो पॉलिनोमियल तो जीरो को बोलते हैं। ठीक है, सिंपल, अगर आपको बोले जीरो पॉलिनोमियल बताओ तो आप जीरो बता देना उसको। लेकिन जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल क्या होता है, तो इसको हम लोग एग्जांपल से समझेंगे, इन सारे एग्जांपल के थ्रू समझेंगे। देखिए, सबसे पहले मैं यहाँ से लेता हूँ एग्जाम्पल नंबर फोर लेता हूँ स्टूडेंट। ठीक है, टू एक्स प्लस थ्री है, ये कैसा? पहले तो आप बताओ ये कौन सा टाइप है पॉलिनोमियल का, ये कौन सा टाइप है? ये लीनियर पॉलिनोमियल है ना, क्योंकि इसका पावर देखो क्या है? वन है। यानी डिग्री इसका क्या हो गया? इस पॉलिनोमियल में वेरिएबल का हाइएस्ट पावर वन है, इसलिए इस पॉलिनोमियल का डिग्री हो गया वन। तो इसलिए ये कैसा पॉलिनोमियल हो गया? लीनियर पॉलिनोमियल हो गया। ठीक है, ठीक है, समझ में आ गई बात। अब आपको करना क्या है, इसको आप जीरो के इक्वल ले लो। अगर आपसे पूछा जा रहा हो क्या जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल, ये जब भी आपसे बोला जाएगा फाइंड करने के लिए, ठीक है, तो आप उस वाले पूरे पॉलिनोमियल को क्या ले लोगे? जीरो के इक्वल ले। अच्छा, आपको ये चीज तो पता होगा ना स्टूडेंट कि पॉलिनोमियल को पी एक्स से रिप्रेजेंट करते हैं, जी एक्स से रिप्रेजेंट करते हैं, एफ एक्स से रिप्रेजेंट करते हैं, ये तो आप नाइन्थ क्लास में पढ़े होंगे। ठीक है, इनसे रिप्रेजेंट करते हैं पॉलिनोमियल को, आप कोई और लेटर से भी लगा करके रिप्रेजेंट कर सकते हो, कोई और लेटर यहाँ पे आर एक्स करके भी, आप किसी भी लेटर से पॉलिनोमियल को रिप्रेजेंट कर सकते हो। आपको ये चीज़ पता होना चाहिए कि पी एक्स का मतलब क्या होता है। पी एक्स का मतलब होता है पॉलिनोमियल इन वेरिएबल एक्स। ठीक है, पॉलिनोमियल इन वेरिएबल एक्स। अगर यहाँ पे वाई होता तो क्या होता स्टूडेंट? तब इसको हम क्या बोलते हैं? पॉलिनोमियल इन वेरिएबल वाई बोल देते हैं। ठीक है, अब आइए यहाँ पे देखिए, तो हमें जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल निकालना, तो हम उसको क्या कर लेंगे? जीरो को इक्वल कर लेंगे। अब देखो, टू एक्स थ्री को उधर भेजेंगे तो माइनस का थ्री हो जाएगा, एक्स को यहाँ रखें माइनस थ्री अपॉन टू। ठीक है स्टूडेंट, यहाँ तक आपको देखो एक्स का वैल्यू आ गया ना। अब ये चीज़ देखो स्टूडेंट, इसी को बोलते हैं हम लोग जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। अब आपके माइंड में आ रहा होगा, सर ये क्या, मुझे कन्फ्यूजन हो रहा है, ये क्यों बोलते हैं इसको? रीजन के साथ समझाओ, क्योंकि एक बार रीजन आपको मिल जाएगा ना तो आपका माइंड उस चीज़ को एक्सेप्ट कर लेगा। तो जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल क्यों बोलते हैं? देखो,
ये जो वैल्यू निकल के आया है ना स्टूडेंट एक्स का जो वैल्यू निकल के आया, इस वैल्यू को ला करके आप यहाँ पे पुट करो। तो चलो पुट करके देखते हैं, टू एक्स की जगह पे क्या रखेंगे, माइनस थ्री अपॉन टू प्लस थ्री। तो देखो टू से ये टू डिवाइड हो गया वन टाइम्स में, माइनस थ्री बन गया माइनस थ्री प्लस थ्री, क्या रिजल्ट आ गया, जीरो। तो देखो स्टूडेंट क्यों इसे जीरो ऑफ द पॉलीनोमियल बोलते हैं, क्योंकि एक्स का जो आप वैल्यू निकाल के लाते हो ना, उसको जब आप एक्सप्रेशन में रखते हो ना, ये एक्सप्रेशन है ना, इस एक्सप्रेशन में आपने एक्स का वैल्यू को रखा, तो पूरा का पूरा एक्सप्रेशन सॉल्व होकर के क्या आ गया, जीरो आ गया। इसलिए ये जो एक्स का वैल्यू है ना, इसको बोलेंगे जीरो ऑफ द पॉलीनोमियल। समझ में, जीरो पॉलीनोमियल तो जीरो को बोलेंगे, लेकिन जीरो ऑफ द पॉलीनोमियल एक्स के उस वैल्यू को बोलेंगे जिसको एक्सप्रेशन के अंदर रखने पे पूरा का पूरा एक्सप्रेशन क्या हो जाए स्टूडेंट, जीरो हो जाए। ठीक है, तो ये तो था डेफिनेशन, और एग्जांपल के थ्रू समझने का इसको कोशिश करते हैं। ठीक है, कि देखो स्टूडेंट अब एक और चीज़ है कि जीरो ऑफ द पॉलीनोमियल है ना, वो कुछ भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है या फिर अदर कोई नंबर भी हो सकता है, बट जीरो पॉलीनोमियल फिक्स है, ये फिक्स्ड है, ये सिर्फ होगा तो क्या होगा, जीरो होगा। लेकिन जीरो ऑफ द पॉलीनोमियल जीरो भी हो सकता है और अदर नंबर भी हो सकता है। तो इसको हम लोग और एक एग्जांपल से समझते हैं स्टूडेंट, ये वाला एग्जांपल लेते हैं, एक्स प्लस टू। देखो ये भी लीनियर इक्वेशन है, ये भी लीनियर पॉलीनोमियल है। क्यों लीनियर पॉलीनोमियल है, क्योंकि यहाँ पे पावर वन है। ठीक है, अब आप इसको जीरो के इक्वल किए, तो सॉल्व करने पर आपको रिजल्ट क्या आया स्टूडेंट, माइनस का टू आया। अब आप इसको क्या बोलोगे, जीरो ऑफ द पॉलीनोमियल बोलोगे। क्यों बोलोगे, बिकॉज जब आप इसको इसके अंदर ला कर रखते हो, रखो ला करके माइनस टू प्लस टू क्या आएगा, जीरो। तो देखो जब आपने इसके अंदर ला करके इस वैल्यू को रखा और सॉल्व किया, तो आपको रिजल्ट क्या मिल गया, जीरो। तो एक्स का वह वैल्यू जिसको एक्सप्रेशन के अंदर रखने पे पूरा का पूरा एक्सप्रेशन सॉल्व होकर के रिजल्ट क्या आ जाए, जीरो आ जाए, रिजल्ट क्या आ जाए, जीरो आ जाए। तो उस एक्स के वैल्यू को, उस एक्स के वैल्यू को क्या बोलेंगे, जीरो पॉलीनोमियल बोलेंगे। ठीक है, तो मैंने कहा ना जीरो ऑफ द पॉलीनोमियल अदर नंबर भी हो सकता है और जीरो भी हो सकता है। देखो अदर नंबर में तो आपको पता चल गया एक्स माइनस टू आया। ठीक है, अभी आप जीरो भी कोई, आपको एक और एग्जांपल देता हूँ मैं, उसमें दिखा देता हूँ कि वहाँ जीरो भी जीरो ऑफ द पॉलीनोमियल हो सकता है। चलो ये वाला एग्जांपल लेते हैं स्टूडेंट। ठीक है, फोर एक्स स्क्वायर प्लस एट एक्स, यहाँ से आप फोर एक्स को कॉमन लोगे, लोगे ना। पहले तो आप इसको जीरो, जब मैंने कहा ना जब भी जीरो निकालना हो ना पॉलीनोमियल का, पॉलीनोमियल का जीरो ऑफ द पॉलीनोमियल जब भी आपको फाइंड करना हो, तो आप उस एक्सप्रेशन को किसके इक्वल कर दो, जीरो के इक्वल कर दो, फिर सॉल्व करो। तो फोर एक्स इसमें से कॉमन हो जाएगा कि नहीं होगा स्टूडेंट, देखो ध्यान से देखो, है ना। फिर यहाँ बचेगा एक्स और यहाँ बचेगा टू, सही है ना, करेक्ट है ये, इक्वल टू क्या हो जाएगा, जीरो होगा ना। देखो फोर एक्स स्क्वायर फोर एट एक्स आ जाएगा। ठीक है, अब आपको देखो दो पार्ट मिल गया ना स्टूडेंट, जब आपको दो पार्ट मिलेगा ना, तो अलग अलग कर लेना है, फोर एक्स और एक्स प्लस टू, और ये किसके इक्वल है, जीरो के, तो दोनों को जीरो के इक्वल कर देना, ये सॉल्यूशन करने का तरीका होता है। ठीक है, तो यहाँ एक्स का वैल्यू क्या आएगा स्टूडेंट, माइनस टू आएगा, और यहाँ एक्स का वैल्यू क्या आएगा, जीरो अपॉन फोर मतलब जीरो। तो ये जो दोनों वैल्यू हुआ ना स्टूडेंट, इन दोनों को क्या बोलेंगे, जीरो ऑफ द पॉलीनोमियल। क्यों बोलेंगे जीरो ऑफ द पॉलीनोमियल, क्योंकि आप जब इन दोनों वैल्यू को बारी बारी से आप इसमें रखोगे ना, इस वाले एक्सप्रेशन में, तो जीरो आ जाएगा रिजल्ट। चलो रख के देखते हैं, फोर माइनस टू का स्क्वायर प्लस एट मल्टीप्लाई माइनस टू, तो देखो ये क्या आएगा, ये फोर आ जाएगा ना स्टूडेंट, फोर फोर या सिक्सटीन, और ये माइनस का सिक्सटीन, अरे ये माइनस का 16 होगा। सॉल्व होकर के क्या रिजल्ट आ गया स्टूडेंट, जीरो। तो देखो तो आपने जब माइनस टू को इसके अंदर रखा, तो रिजल्ट क्या आया, जीरो आ गया। और जब भी एक्स के वैल्यू को, एक्स का वो वैल्यू, वेरी एक्स को क्या बोलेंगे, वेरिएबल, तो वेरिएबल का वो वैल्यू जिसको एक्सप्रेशन के अंदर रखने पे पूरा का पूरा एक्सप्रेशन सॉल्व होने पे क्या आ जाए, जीरो आ जाए, तो एक्स के उस वैल्यू को हम बोलेंगे जीरो ऑफ द पॉलीनोमियल। बात समझ में आ गई, इसी तरह आप जीरो रख करके भी खुद चेक करो। ठीक है, तो आपको बात समझ में आ जाएगी। ठीक है, ठीक है ना स्टूडेंट। चलो जीरो भी रख करके मैं आपको एक बार चेक करा देता हूँ, जीरो यहाँ रखो, तो फोर जीरो का स्क्वायर हो जाएगा प्लस एट यहाँ जीरो इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखो सॉल्व करो आप, देखो जीरो आएगा, ये भी जीरो, तो क्या आ गया, जीरो आ गया ना। तो जीरो भी क्या हो गया इस बार, मतलब देखो जीरो जो था आया था एक्स इक्वल टू जीरो, ये क्या कहलाएगा, जीरो ऑफ द पॉलीनोमियल। यहाँ तक आपको बात समझ में आ गई स्टूडेंट। तो देखो मैंने कहा था ना कि जीरो ऑफ द पॉलीनोमियल जीरो भी हो सकता है और अदर नंबर, अदर नंबर में तो आपने देख ही लिया माइनस टू आया था। ठीक है, तो इस तरह से आप स्टूडेंट बोल सकते हो कि जीरो ऑफ द पॉलीनोमियल जो होता है वो एक्स का वैल्यू होता है जिसको एक्सप्रेशन में रखने पे पूरा का पूरा एक्सप्रेशन जीरो हो जाता है, तो बस उस एक्स के वैल्यू को जीरो ऑफ द पॉलीनोमियल बोलते हैं। डेफिनेशन आपको समझ में आ गया, लेकिन जीरो पॉलीनोमियल क्या होता है, सिंपल जीरो होता है, खत्म। अब देखो इस वाले एक्सप्रेशन को भी सॉल्व कर लेते हैं, देखो एक्स स्क्वायर माइनस 15 है, इसको भी जीरो, इसका भी आपको क्या फाइंड करना है, जीरो, तो आप जीरो के इक्वल कर लो, एक्स स्क्वायर इधर क्या आ जाएगा 15,
एक्स स्क्वायर जब हटाओगे ना स्टूडेंट, इस पर क्या लग जाएगा, रूट लग जाएगा, और यहाँ पे प्लस माइनस लगेगा। ये चीज़ ध्यान रखना, जब भी आप स्क्वायर हटाओगे तो यहाँ पे प्लस माइनस लगा करके रूट लगाओगे, इस वाले चैप्टर में स्पेशली, पॉलीनोमियल चैप्टर में स्पेशली ये चीज़ ध्यान रखना है, ठीक है। तो एक्स का आंसर दो हो गया, एक तो प्लस का रूट 15 हो गया, और प्लस वाले को हम दिखाते नहीं है, और एक हो गया माइनस का रूट 15, ठीक है। तो ये दोनों जो आया ना वैल्यू स्टूडेंट, ये दोनों क्या कहलाएगा, जीरो ऑफ द पॉलीनोमियल कहलाएगा। अब आपको चेक करना कि जीरो ऑफ द पॉलीनोमियल है या नहीं है, तो इन दोनों वैल्यू को आप बारी बारी से ला करके पुट करके इसमें रख करके चेक करो, आपको अपने आप पता चल जाएगा कि जीरो ऑफ द पॉलीनोमियल है कि नहीं है, ठीक है स्टूडेंट। यहाँ तक आपको बात समझ में आई स्टूडेंट कि जीरो ऑफ द पॉलीनोमियल क्या होता है, ठीक है। अब हम लोग एक्सरसाइज पे आते हैं, जो फर्स्ट आपका एक्सरसाइज है जिसमें ग्राफ वाला है, वो कैसे सॉल्व करना है वो मैं आपको बताता हूँ स्टूडेंट। ओके स्टूडेंट, तो आपको यहाँ तक बात समझ में आ गई होगी कि जीरो ऑफ द पॉलीनोमियल क्या होता है और जीरो पॉलीनोमियल क्या होता है, दोनों में डिफरेंस समझ में आ गया होगा, ठीक है। और भी हम लोग अगले जो वीडियो लेक्चर होगा उसके अंदर हम लोग पढ़ेंगे कि जीरो ऑफ द पॉलीनोमियल और कोफिशेंट ऑफ द पॉलीनोमियल में क्या रिलेशन है, ठीक है ना। तो रिलेशन बिटवीन द जीरोज ऑफ द पॉलीनोमियल एंड कोफिशेंट, उनके बीच में रिलेशन पढ़ना है, तो वो हम लोग अगले वीडियो लेक्चर में देखेंगे। अब हम लोग ये एक्सरसाइज पहले कर लेते हैं, एक्सरसाइज जो आपका है फर्स्ट, इसमें आपको ग्राफ से पता करना है कि नंबर ऑफ जीरोज कितना होगा। तो आपको मैंने बताया था स्टूडेंट कि यदि कोई इक्वेशन लीनियर इक्वेशन है, लीनियर मतलब लीनियर पॉलीनोमियल है, तो वहाँ पे नंबर ऑफ जीरो कितना आएगा, वहाँ पे नंबर ऑफ जीरो जो है ना स्टूडेंट वहाँ एक आएगा। लीनियर पॉलीनोमियल है तो वहाँ पे नंबर ऑफ जीरो एक आएगा, क्यों, लीनियर पॉलीनोमियल में जो डिग्री होता है पॉलीनोमियल का वो क्या होता है, वन होता है। तो जितना पॉलीनोमियल का डिग्री होगा ना उतना नंबर ऑफ जीरोज होगा, ठीक है। और अगर मान लो क्वाड्रेटिक है, क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल है, ठीक है, क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल है, तो क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल में डिग्री क्या हो गया, टू हो गया, तो वहाँ पे नंबर ऑफ जीरो क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ जीरोज होगा वहाँ पे स्टूडेंट टू हो जाएगा, ठीक है। पर ग्राफ में क्या होता है, थोड़ा अलग होता है ग्राफ में स्टूडेंट, ग्राफ एक एक्सिस को जितनी बार कट करेगा ना उतना नंबर ऑफ जीरोज होगा, या जितनी बार टच करेगा एक एक्सिस को उतना नंबर ऑफ जीरो होगा। तो आप यहाँ पे जरा ध्यान दो, ये जो ग्राफ है, ये वाला ग्राफ, ये ग्राफ इसको बोलते हैं, ठीक है, जो इसको नहीं बोलते, ये तो वाई एक्सिस है, एक्स एक्सिस है ग्राफ, ये वाला स्टूडेंट जो आपने ये यहाँ पे लाइन खींचा है, ये जो ग्राफ है इस एक्स एक्सिस को कितनी बार कट कर रहा है, एक बार भी नहीं, आपका जवाब यही होगा। तो यहाँ पे नंबर ऑफ जो जीरोज होगा, नंबर ऑफ जीरो होगा वो क्या होगा, जीरो होगा, मतलब एक भी जीरो नहीं होगा यहाँ पे, नंबर ऑफ जीरो एक भी नहीं मिलेगा आपको, क्योंकि ग्राफ एक बार भी एक्स एक्सिस को कट नहीं कर रहा है। तो यहाँ पे आप क्या बोलोगे, यहाँ पे कोई भी जीरो नहीं है। सेकंड वाले में आ जाओ, तो आप देखो ये ग्राफ है स्टूडेंट, अब ये ग्राफ एक्स एक्सिस को कितनी बार कट कर रहा है, तो आप बोलोगे सर एक बार, तो यहाँ पे नंबर ऑफ जीरो कितना हो जाएगा, वन हो जाएगा। बस इट सिंपल सा है स्टूडेंट, कितना इजी तो है, आप जाके चेक करो एनसीईआरटी बुक का आंसर, जाके चेक करो, यही आंसर है। इसमें देखो आप ग्राफ एक्स एक्सिस को कितनी बार कट कर रहा है, तो एक्स एक्सिस को एक दो तीन बार, तो तीन बार कट कर रहा है, तो नंबर ऑफ जीरो कितना हो जाएगा स्टूडेंट, नंबर ऑफ जीरोज हो जाएगा यहाँ पे तीन हो जाएगा। तो जितनी बार एक्स एक्सिस को ग्राफ कट करेगा, ग्राफ ये वाला हो गया, ठीक है, ये वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है, ये ग्राफ हो गया और ये वाला ओरिजिन है, ठीक है। तो ग्राफ एक्स एक्सिस को एक यहाँ पे कट कर रहा, यहाँ कट कर रहा, यहाँ कट कर रहा, तीन बार कट कर रहा, तो नंबर ऑफ जीरो थ्री हो गया। यहाँ पे आप देखो स्टूडेंट ग्राफ दो बार कट कर रहा, दो हो गया। इसी तरह आप यहाँ पे चार बताओगे, एक दो तीन चार, और यहाँ देखो कितनी बार टच कर रहा है, एक दो तीन, तीन बार, यहाँ पे नंबर ऑफ जीरो थ्री हो जाएगा, ठीक है। तो ये था आज का पूरा एक्सप्लेनेशन था स्टूडेंट। तो आई होप आपको जहाँ तक मैंने समझाया है समझ में आया होगा, बेहतर तरीके से समझाने का मैंने कोशिश किया है। अगर आपको समझ में थोड़ा भी आता है ना स्टूडेंट, तो प्लीज़ आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर समझ में थोड़ा क्या पूरा ही आएगा स्टूडेंट, मैंने बहुत डिटेल में समझाता हूँ, तो अगर आपको पूरा समझ में आया तो प्लीज़ आप इसे शेयर कीजिए, ईमानदारी से शेयर कीजिए और भी स्टूडेंट को, इसलिए कि ताकि उनको भी बेनिफिट हो मेरे वीडियो लेक्चर का, ठीक है ना। ओके, थैंक यू, बाय बाय।